अनुपमा सीरियल में अनुज और अनुपमा ने जो एक दूसरे को राधा कृष्ण वाला लॉकेट पहनाया था वो अब टूट गया है और अनुपमा को अब किसी बड़ी अनहोनी होने का संकेत मिल गया है। और आप सभी जानते ही हैं कि सीरियल में अब लीप आने वाला है, ऐसे में अनुपमा और अनुज के लॉकेट टूटने का क्या संकेत है उसी के बारे में हम आपको आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं। इसलिए अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए। आप सभी देख ही रहे होंगे कि कैसे अब आध्या और अनुज की वजह से अनुपमा अनुज से फिर से शादी करने के लिए मान गई है, जिससे आशा भवन के सारे मेंबर खुश हैं। और आपको सीरियल में शाह फैमिली के मेंबर जो इस समय आशा भवन में नजर आ रहे हैं वो अब गायब होते दिखेंगे, जिसमें डॉली, डिम्पी, तपिस ये सारे सब कुछ एपिसोड के बाद सीरियल में नहीं दिखेंगे क्योंकि क्लिप के बाद वो बड़े उम्र वाले किरदार को नहीं करना चाहते हैं, जिस वजह से आपने देखा ही होगा कि बा और बापू जी डॉली को घर जाने को कहते हैं और तपिस डिम्पी को मुंबई जाने को कहते हैं। वहीं अगर हम सीरियल में अनुपमा और अनुज के लॉकेट के टूटने की बात करें तो सीरियल के मेकर्स ये हिंट दे दिया है कि फिर से एक बार अनुज और अनुपमा अलग होने वाले हैं और अब मेकर्स उनका मौत दिखाकर उन्हें अलग करते हैं या उन्हें अलग करने के लिए कुछ अलग चीज़ दिखाते हैं। ये देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। आप लीप के बाद अनुपमा और अनुज को एक साथ देखना चाहते हैं या नहीं, कमेंट पर आप हमें ज़रूर बताएं।